वही कोटा जिले के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलकर अपने घर बोरखेड़ा लौट रहे बाइक सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बता दें कि इस घटना में एक किशोर नमन तिवारी की मौत हो गई, जबकि दो किशोर दीपांशु और लेखराज घायल हो गए हैं, जिनका स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। वहीं रेलवे कॉलोनी पुलिस ने मृतक किशोर का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। बच्चे क्रिकेट एकेडमी है उधर, वहाँ से क्रिकेट खेल के आ रहे थे। तीनों बच्चे बाइक पे थे और बच्चे नाबालिग हैं। तीनों 12 से 14 साल की बीच की उम्र है, जिसमें से एक बच्चे की डेथ हो गई है। नमन तिवारी नाम है बच्चे का, समस्त नमन तिवारी 14 साल का बच्चा था। दो बच्चों में से एक बच्चा डिस्चार्ज होकर चला गया है और एक दूसरा बच्चा सुधा हॉस्पिटल में एडमिट है। दीपांशु जानी जिसका नाम है, उसकी उम्र 12 साल है। ट्रक से एक्सीडेंट होना अभी सामने आया है, ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया है।